दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आशीष रफी पांकरेड ब्लॉग के साथ और आज मैं फिर मौजूद हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज की हमारी लोकेशन मई रेलवे स्टेशन तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ी सी आगे मलीर रिवर ब्रिज है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम यहाँ से जो है वो ट्रैवल करते हुए आए कांटेदार रास्ते से, और अभी हम जो है वो फर्दर ब्रिज की तरफ जाएंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने से एक GU40 के साथ एक पीछे इंजन है और साथ में दो डीजल जो है वो कार्गो ट्रेन्स हैं। पास कर रहे हैं मई रिवर ब्रिज से पहले। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग बस रिवर ब्रिज की तरफ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे अभी जो ट्रेन है आपकी हमें मिलेंगी, डाउंस की भी मिलेंगी, साथ में हमारे दो सैफ भाई और वो वीडियो वाली सरकार चैनल के हॉरर नुमान भाई भी हैं। तो आए चलते हैं और यहाँ की जो है वो ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं। देख सकते हैं आप लोग सामने इतने खेत खलिहान हैं, अक्सर आपने ट्रेन में देखा होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, एक कंप्लीट जो है वो ओवरव्यू मरी रिवर ब्रिज का आप लोग देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मंज़र हो रहा है। और ये मेरे उल्टे हाथ पे जो है वो आपका जो है वो ट्रैक है, और ये डाउन साइड पे डाउन का ट्रैक देख सकते हैं आप लोग एक बार फिर। दोस्तों, आज का पहला एक्शन जो कि 33 अप्पा बिजनेस एक्सप्रेस का है, मरी रेलवे रिवर से जो है वो हम इसको जो है वो कैप्चर करेंगे। तो आए चले अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं, ट्रेन बस आने वाली है, तो चलिए आए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने से 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस आ रही है, और सामने बच्चों की हरकतें देखें, लड़कों की झाइलानों वाली हरकतें कर रहे हैं लड़के। ZCU 6305 कॉल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कितनी अच्छी स्पीड में जो है ये पास हुई है। ZCU उसको हॉल कर रहा था और अच्छी स्पीड में जो है पिकअप करते हुए लेके गया है। तो ब्रांड ये अप्रोच करने वाली है, तो चलिए आए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेशन का जो है वो इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मरी रिवर ब्रिज पर हम मौजूद हैं रेल फैनिंग करने के लिए, और सामने से 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। देख सकते हैं आप लोग GMU 30 की लीड पर है और ये मरी रेलवे ब्रिज पे जो अप्रोच इसने कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कि GMU के साथ जो है वो डिपार्ट हुई है।
अभी हमारा नया सेक्शन होगा जो कि कराची एक्सप्रेस या मिराना एक्सप्रेस का, जो भी दोनों से पहले आएगी उसे कैप्चर करेंगे और अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। जब तक हमारे साथ रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पे कैबिन मैन से भी गुफ्तगू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें कुछ अर्से पहले जो है आउटसाइडर जो है उन्होंने तोड़ के ताला खाला इसका और नट बोल्ट खोल के यहाँ पे केबिन लेके फाड़ दी। तो उसको हमने अब ज्वाइन किया, तो फिर हम हमारे जो ऑफिसर हैं उन्होंने ये हमें खरीद के दिए स्पेशल लॉक सिक्योर करने के लिए, हमने लॉक शॉट लगाए और कनेक्शन सारा बाहर। सर ये वैसे यहाँ पे कौन सा सिग्नल लगा हुआ है? सिग्नल तो उस तरफ यानी आगे मलिर की तरफ और लांडी की तरफ है, लेकिन केबल्स जो है ना उसका जंक्शन बॉक्स है यहाँ से जॉइंट है। तो ये वैसे CBI सिग्नल है, कौन सा सिग्नल है? नहीं नहीं, ये कलर लाइट सिग्नल है, LM एरिक्सन की ऑल रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा है। पुराना सिस्टम है वैसे? पुराना सिस्टम है लेकिन है पायदार, ये पायदार तो ये ऑटोमेटिक है, ये भी कलर लाइट ऑटोमेटिक है, वो कंप्यूटर बेस है। CBI जो है कंप्यूटर बेस इंटरलॉकिंग है रिलेस की, इसके अंदर जो है वो मैनुअली इलेक्ट्रिकली है, इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक है। सर ये वैसे कब ये वाकया पेश आया, चोरी हुई थी, आपको कब इतला मिली इसकी? ये तो 2 दिन हो गए इसकी, हमें जब इतला मिली थी उसी दिन हम आए थे जी। और केबल्स का काम तो हमने कर दिया था लेकिन लॉक फिर बाद में हमें मिले, तो फिर लॉक लगाने के लिए आज हम आए। तो आपने कोई इसके खिलाफ जो FIR हमने लॉन्च करा दी थी यहाँ पे? आपको सर नज़र आ रहा है कि यहाँ पुलिस नहीं है? हाँ रेलवे पुलिस नहीं है, ये हमने कहा है रेलवे पुलिस को होनी चाहिए, अपने अफसरान को कहा है हमने कि यहाँ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साबरी, बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम क्या है? हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये आपकी मेहनत है जिसकी वजह से सिग्नल अभी चल रहा है, नहीं तो यहाँ पे कॉशन लगा हुआ था। सही बात है, बिल्कुल सही बात। चलें 15 अब कराची एक्सप्रेस आ रही है, उसको देखते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मई रिवर ब्रिज ये रहा, और सामने से HGMU हॉर्न मारते हुए आ रही है, HGMU की लीड पर है और मिराना एक्सप्रेस जो है अपनी पूरी आवताब के साथ जा रही है। देख सकते हैं आप लोग कैसा VIP ट्रैक साउंड था इसका। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आज का मौसम भी बहुत अच्छा था और हमें आज बहुत अच्छी ट्रेन्स मिली कैप्चर करने को। इसके अलावा मैंने आपको पाकिस्तान रेलवेज़ के कुछ मेहनती वर्कर से भी मिलाया जो कि अपनी ड्यूटी यहाँ पे सर अंजाम दे रहे थे, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इनका बताया और इनका काम। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगरबान।